वेलकम फ्रेंड, स्वागत है आज की इस वीडियो में। फ्रेंड आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने और सिखाने वाला हूँ फ्रेंड की, जो कि हमारा 16+16 का जो सीलिंग फैन होता है फ्रेंड, उसका वाइंडिंग डाटा मैं आपको देने वाला हूँ फ्रेंड। 16+16 जो कि अधिकतर कौन सी कंपनी में जो कि सोलर फैन की स्टम्पिंग निकलती है उसका भी बेसिक जानकारी आपको मैं देने वाला फ्रेंड। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखे गाइस। तो वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी इलेक्ट्रो भाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आइए तो फ्रेंड आज का वीडियो हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 16+16 का जो कि सीलिंग फैन यहाँ पे बाइंडिंग किया। सबसे पहले फ्रेंड आप कमेंट करके बताएं मेरी जो बाइंडिंग हुई किस प्रकार, इसकी फिनिशिंग आपको कैसी लग रही है। फ्रेंड फिनिशिंग आपको देखने में अगर अच्छी लग रही है तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर करना वीडियो को बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड। हाँ फ्रेंड, यहाँ मैं इसका आपको बाइंडिंग डाटा इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ, साथ साथ में उसमें बताने वाला हूँ कि इसकी फिनिशिंग वगैरह जो है कि किस प्रकार से इसको उसमें की जाती है फ्रेंड। साथ में हम कुछ और अन्य टॉपिक पर भी वीडियो में बात करने वाले थे। सबसे पहले फ्रेंड जो कि मैं यहाँ पे इसकी लीडर वगैरह निकाल लेता हूँ फ्रेंड, क्योंकि हम इसमें जो कि कॉमन वायर बनाने के देने वाला फ्रेंड। फ्रेंड अगर आपको सीलिंग फैन में कॉमन वायर बनाना नहीं मालूम है तो फ्रेंड जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहाँ जाकर आप पता कर सकते हैं फ्रेंड किस प्रकार से फ्रेंड जो कि वहाँ पर कॉमन वायर बना जाता है। मैंने काफ़ी अच्छे और बेहतरीन तरीके से आप वहाँ पर बताया फ्रेंड। तो यहाँ पे फ्रेंड जो कि हम इसमें ब्लू वायर जो कि यहाँ पे अटैच करने वाले हैं, जिसको हम कॉमन वायर पर बनाएंगे फ्रेंड। और इसमें भी रनिंग के लिए फ्रेंड जो कि हम रेड वायर यूज़ करेंगे फ्रेंड, और इसके फ्रेंड स्टार्टिंग के लिए हम इसमें ब्लैक वाला यूज़ करने वाले फ्रेंड। यहाँ पे फ्रेंड जो कि वायर आपको जो कि हमने इसमें वाइंडिंग में जो यूज़ किया फ्रेंड, ये 16+16 का सीलिंग फैन है। और ज़्यादातर फ्रेंड जो 16+16 जो सीलिंग फैन आता है फ्रेंड, वो आता है फ्रेंड हमारा ओरिएंट में। फ्रेंड जो 16+ जो हमारा जितने भी सीलिंग फैन ज़्यादातर वो कंपनियों में इससे फैन होता है वो ओरिएंट का ही निकलता है फ्रेंड। कुछ और कंपनियाँ भी हो फ्रेंड जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ओरिएंट में आपको ज़्यादातर 16+16 का देखने को मिलेगा फ्रेंड। यहाँ पर सिर्फ आपको एक गलती नहीं करना फ्रेंड, जो कि 16 ओरिएंट का जितने भी 16+16 का जो सीलिंग फैन होता है गाइस, उसमें फ्रेंड जो कि स्टम्पिंग की साइज वैसे मोटी होती है। तो लोग क्या करते हैं फ्रेंड, जितने भी हमारे मैकेनिक भाई है वो इसमें 35 नंबर वायर ठूस देते हैं फ्रेंड। इसमें 35 नंबर बार कभी नहीं ठूसना फ्रेंड गलती से, क्योंकि इसमें 16 स्लॉट है गाइस, यानी कि इसमें जो कि टर्न की संख्या वैसे ही बहुत ज़्यादा है फ्रेंड। जैसे कि हम 12+ का 12 जो सीलिंग फैन है फ्रेंड, 12+ जो 12 सीलिंग फैन होता है गाइस, उसकी जो कि स्टम्पिंग है फ्रेंड, अगर वो अगर बड़ी होती है 15-16 mm की, तो वहाँ पर आप 35 नंबर यूज़ कर सकते हो। लेकिन 16 में गाइस आपको 35 नंबर डालना ही नहीं है, चाहे कोई सी कंपनी का सीलिंग फैन हो, उसमें आपको हमेशा 36 नंबर का ही वायर यूज़ करना है, क्योंकि उसमें सलाटे ज़्यादा है फ्रेंड। तो यानी कि स्टम्पिंग पर लोड की कैपेसिटी वैसे ही कम हो चुकी है, यानी कि मैग्नेट वो पूरा लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसमें 36 नंबर का ही वायर हमेशा यूज़ करें, तो फिर 36 नंबर का वायर जो यूज़ करना है, तो मैं आपको उसका फिलहाल सबसे पहले स्टार्टिंग का टर्न दिखा देता हूँ। फिर यहाँ पर मैंने 36 नंबर से स्टार्टिंग में इसमें जो टर्न डाले गए वो 340 टर्न डाले। 36 नंबर से गाइज मैंने इसकी स्टार्टिंग में 340 टर्न गाइज मैंने इसमें यूज़ किया है। उसके बाद में इसमें रनिंग का डाटा, रनिंग भी सेम डाटा डालना है गाइस। 36 नंबर आपको वायर लेना है, सिर्फ टर्न आपको बढ़ाना है। इसमें आपको गाइस जो कि 370 से 380 टर्न डालना है गाइस। गाइस आप 370 डालेंगे तो भी आपका पंखा अच्छा चलेगा, लेकिन 380 से भी आपका पंखा अच्छा चलेगा, इससे ज़्यादा और कम नहीं डालना गाइस। लेकिन आपको रनिंग और स्टार्टिंग में दोनों में आप 10 टर्न कम ज़्यादा कर सकते हो गाइस। आप स्टार्टिंग के लिए फिर 330 डाल सकते हो तो 370 डालना है, अगर 340 डालते हो तो 380 डालना है। ये बात याद रखिए फ्रेंड, अगर आपने 330 डाले तो फिर आपको ऊपर में 370 डालना है, अगर आपने 340 डाले तो 380 डालना, यानी कि बड़ा कर डालना फिर 10 टन। या वैसे आप फ्रेंड जो कि 340 और 380 से डालोगे तो आपका पंखे की स्पीड अच्छी होगी, साथ में फ्रेंड जो कि आपका जो कि कंपनी की लाइफ है वो काफ़ी अच्छी चलने वाली फिर हमेशा। फिर जो कि 16+16 का जितने भी कंपनी के सीलिंग फैन आते हैं फिर आप उसमें 36 नंबर ही वायर यूज़ करें फ्रेंड। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 36 नंबर से दोनों ग्रुपों को वाइंडिंग किया, साथ में आप इसकी फिनिशिंग और सफाई देख सकते हो फिर कि हमारी जो कि सीलिंग फैन की फिनिशिंग कितनी साफ और सुथरी आई है। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा पंखा किस प्रकार से बेहतरीन तरीके से काफ़ी अच्छी तरीके से फिर इसमें थोड़ा सा सोल्यूशन ऐड करेंगे, जिससे कि फिर अगर हमारी मशीन भरते वक्त अगर कोई वायर स्क्रेच कर देती है फिर तो वो फॉल्ट सर्किट ना बनाए, उस पर सोल्यूशन की एक परत बन जाए, जिससे फिर जो कि हमारे पंखे की लाइफ बढ़ जाती है। फिर आप जितने भी पंखे वाइंडिंग करें फिर आप उसमें सोल्यूशन जरूर डालें। तो ओके फ्रेंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस वीडियो में आपको कुछ समझ में आया हो तो फ्रेंड कमेंट जरूर करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ओके फ्रेंड्स।